जिंदा रहने के लिए भोजन कितना जरूरी होता है, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। अब तक आप यही देखते सुनते आए होंगे कि जानवर तो इंसानों से भी ज्यादा खाते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवा रहे हैं जो बिना कुछ खाए भी महीनों जिंदा रह लेते हैं। ये जानवर कहीं दूर नहीं बल्कि आपके और हमारे बेहद करीब रहते हैं। आइए जानें, धरती पर एक जीव ऐसा है जो बिना कुछ खाए 30 साल तक जिंदा रह सकता है। इन जीवों की शारीरिक क्षमता और पर्यावरण से जुड़े कुछ पहलू इन्हें लंबे समय तक भोजन के बिना भी जिंदा रख सकते हैं। भोजन को लेकर इन जानवरों का इंतजार कभी कभी इतना लंबा हो जाता है कि बिना कुछ खाए महीनों बीत जाते हैं। पृथ्वी पर कई अजूबे मौजूद हैं, इनमें से कई से तो इंसान आज भी अनजान है। आज हम आपको बिना खाए पिए महीनों जिंदा रह लेने वाले कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे, जो आपको भी एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये वाकई हमारे आसपास ही रहते हैं। आइए जान लीजिए कि इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाता है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेंगुइन जहां रहते हैं वहां तापमान इतना ज्यादा कम होता है कि उनकी भूख खुद ही कम हो जाती है। ऐसे में ये 2-4 महीने तक भी बिना कुछ खाए रह लेते हैं, और जब शून्य से नीचे के तापमान पर शिकार की बात आती है तो नर बच्चों के पास रहकर उन्हें गर्म रखने का काम करते हैं और मादाएं शिकार करने बाहर निकलती हैं। 50 से 80 साल तक जिंदा रहने वाला रेगिस्तानी कछुआ न सिर्फ 50-60 डिग्री तापमान में भी आराम से जिंदा रह लेता है, बल्कि इसे महीनों तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने मूत्राशय में इसे जमा करके रख लेते हैं। इसी पानी को ऊर्जा में बदलकर ये अपने भोजन की जरूरत को भी पूरा कर लेते हैं। शिकार करने में बेहद हुनरमंद मानी जाने वाली कोमोडो ड्रैगन भी बिना कुछ खाए हफ्तों या महीनों तक भी जिंदा रह सकती है। इनके मुंह से ऐसी लार निकलती है जिसका जहर मिनटों में किसी को भी मार गिरा सकता है। हिरण का बच्चा हो या बकरी, कोमोडो ड्रैगन के लिए उन्हें निगलना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके शरीर में भोजन काफी धीरे पचता है। बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रहने में मगरमच्छ भी किसी से पीछे नहीं है। इनका पाचन भी काफी स्लो होता है, जिससे यह काफी समय तक बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा रह लेते हैं और शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखते हैं। टार्डिग्रेड ऐसे जीव हैं जो बिना भोजन के 30 साल तक जिंदा रहने के काबिलियत रखते हैं। ये शारीरिक क्रियाएं बंद कर देते हैं, और जब इनमें पानी की मात्रा 3% ही रह जाती है तो भी भोजन मिलते ही एकदम एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 1 हाथी 12 अगस्त को दुनिया वर्ल्ड एलिफेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करती है, जिसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। यह दिन दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित है। बता दें, एलिफेंट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एलिफास से हुई है, जिसका अर्थ है गजदंत। इस खास मौके पर हम आपको हाथी से जुड़े 10 मजेदार फैक्ट्स बता रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। चमड़ी मोटी होती है। इनकी हाथी की खाल का ज्यादातर हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। दरअसल उनकी त्वचा पर मौजूद सिलवटें और झुर्रियां सपाट त्वचा के मुकाबले 10 गुना अधिक पानी बनाए रख सकती है, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। वे नियमित रूप से अपनी त्वचा को साफ रखते हैं और धूल व मिट्टी में नहाकर खुद को तेज धूप से बचाते हैं। जमीन का सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला स्तनपायी प्राणी है। इसमें नर औसतन 3 मीटर तक ऊंचा और 6 टन तक वजनी होता है। सिर्फ नर हाथी 35 से 40 वर्षों में अपने पूरे साइज तक पहुंचते हैं। उनकी उम्र 60-70 वर्षों तक की होती है। जन्म के समय हाथियों का वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 2 कोआला की मनमोहक दुनिया की खोज से दिलचस्प तथ्यों की एक श्रृंखला का पता चलता है, जो इन प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स को उनके गले लगाने वाले बाहरी हिस्से से ऊपर उठाती है। यह अन्वेषण कोआला जीवन के 10 आकर्षक पहलुओं पर प्रकाश डालता है, उनके भ्रामक उपनाम कोआला भालू से लेकर उनके यूकेलिप्टस के पत्तों के विशेष आहार तक।
उनकी विशिष्ट विशेषताओं, नींद के पैटर्न और प्रजनन रणनीतियों के रहस्यों को उजागर करने से अद्वितीय अनुकूलन के लिए गहरी सराहना मिलती है, जिसने कोआला को दुनिया भर में प्रकृति प्रेमियों के दिलों में जगह दी है। इन प्यारे वृक्षी जीवों के आकर्षक और कभी कभी जटिल अस्तित्व की यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। नंबर 3, जिराफ को तो अक्सर आप देखते ही होंगे, या तो चिड़ियाघर में या फिर किसी नेशनल पार्क में। ये सभी थलीय पशुओं में सबसे ऊंचा होता है और जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है। ये अपनी लंबी गर्दन, टांगें और अपने खास सींगों की वजह से विशेष रूप से जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी गर्दन आखिर लंबी क्यों होती है? आज हम आपको इस सवाल का जवाब भी बताने जा रहे हैं, और जिराफ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक नर जिराफ की ऊंचाई करीब 18 फीट होती है। इनकी तो गर्दन ही सिर्फ 6 फीट से 8 फीट की होती है, जबकि पैरों की ऊंचाई लगभग 6 फीट होती है। यानी धरती पर रहने वाले औसतन इंसान जिराफ के पैरों से भी छोटे हैं। जिराफ ऊंट की ही तरह एक ऐसा जानवर है जो कई दिनों में सिर्फ एक बार ही पानी पीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह घास खाने वाला जानवर है और उसकी वजह से उसके शरीर में हमेशा नमी बनी रहती है। एक बात और हैरान करने वाली है कि जिराफ बिना पानी पिए ऊंट की तुलना में ज्यादा चल सकता है। नंबर 4, किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। यह किसी को भी पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। इसका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि समय पर इलाज न मिले तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या यह धरती पर सबसे विषैला सांप है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर एक यूजर ने यही सवाल पूछा। तमाम यूजर्स ने अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से जवाब दिया, मगर हकीकत क्या है? धरती का सबसे विषधर सांप कौन है? अजब गजब नॉलेज सीरीज की अगली कड़ी में जानिए इसका सही जवाब। सबसे पहले जान लें कि भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 60 जहरीली हैं। किंग कोबरा, नाग, सॉस्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रेट और रसेल वाइपर भारत में पाए जाने वाले सबसे जानलेवा सर्प हैं। इनके डंसने से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इनके शरीर में इतना जहर होता है कि काट लें तो बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दुनिया के सबसे विषैले सांप नहीं हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोफार्माकोलॉजी के अनुसार दुनिया का सबसे विषैला सांप इनलैंड टाइपैन है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 5, इस दुनिया में सभी जीवों के अलग अलग रंग होते हैं, जिनसे उनकी पहचान भी होती है। लेकिन कुछ के रंग बिल्कुल भिन्न और अलग ही होते हैं, जो उनकी सुंदरता का कारण भी बन जाते हैं, जैसे कि जेब्रा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेब्रा का रंग सफेद होता है या काला इंसान हो या जानवर, हर किसी की एक अपना कलर होता है। इस दुनिया में सभी जीवों के अलग अलग रंग होते हैं, जिनसे उनकी पहचान भी होती है। लेकिन कुछ के रंग बिल्कुल भिन्न और अलग ही होते हैं, उनकी सुंदरता का कारण भी बन जाते हैं, जैसे कि जेब्रा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेब्रा का रंग सफेद होता है या काला इंसान हो या जानवर, हर किसी की एक अपना कलर होता है। इस दुनिया में सभी जीवों के अलग अलग रंग होते हैं, जिनसे उनकी पहचान भी होती है। लेकिन कुछ के रंग बिल्कुल भिन्न और अलग ही होते हैं, उनकी सुंदरता का कारण भी बन जाते हैं, जैसे कि जेब्रा। जी हाँ, जेब्रा। इसके शरीर पर काली और सफेद धारियां बनी होती हैं, जो बेहद आकर्षक बनाती हैं। आप सभी ने सामने से न सही पर टेलीविजन पर तो जेब्रा को देखा ही होगा, उस पर बनी काली सफेद धारियों को भी देखा ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेब्रा का रंग सफेद होता है या काला? आखिर जेब्रा पर बनी इन काली सफेद लाइनों का क्या रोल है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस खबर के जरिए आज आपको देंगे। नंबर 7, लायन। ये बात तो सभी जानते हैं कि जंगल में शेर का राज चलता है। सबसे ताकतवर जानवर के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन क्या आप जानते हैं, जंगल का राजा अपना शिकार खुद नहीं करता? यही नहीं, एक शेर 2 हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकता है। शेरों को ताकत का प्रतीक माना जाता है। इन्हें देखकर ही इनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि इस खूंखार जानवर की संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए दुनिया भर के शेरों की घटती आबादी और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है।
आपने जंगल के राजा की तमाम आदतों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेर एक दिन में कितना मीट खाता है? या फिर शेरनियां ही क्यों शिकार करती? आमतौर पर शेर झुंड में रहना पसंद करते हैं। कम से कम 15 शेर एक साथ रहते हैं ताकि मुश्किल समय में एक दूसरे को बचाया जा सके। खासकर शावकों को जंगल में घूमते दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। नंबर 8, हिप्पोपोटेमस। हिप्पो को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहा जाता है, जो कि एक विशालकाय जानवर है। ये दिखने में भूरे रंग के होते हैं। इनके छोटे छोटे चार पैर होते हैं, एक छोटा पूंछ और एक विशाल शीर होता है। यह अर्ध जलीय जानवर है जो अपना ज्यादातर समय पानी या कीचड़ में बिताता है। आज हम दरियाई घोड़े के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि अपने आप में काफी रोचक और मजेदार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़े को तैरना नहीं आता। ये विशालकाय शरीर की वजह से पानी में तैर नहीं पाते, लेकिन ये अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारते हैं। इन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है, यही वजह है कि इन्हें दरियाई घोड़ा, रिवर हॉर्स कहा जाता है। ये पानी में आगे बढ़ने के लिए तैरते नहीं हैं, बल्कि अपने पैरों से जमीन को धक्का देते हैं। ये पानी के अंदर काफी देर तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। शरीर की विशेष बनावट की वजह से दरियाई घोड़े, हिप्पो के लिए जलीय जीवन बहुत ही अनुकूल है। इनके नाक, कान, आंख शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से होते हैं, इसलिए ये पानी में आधा डूबकर भी देख सुन सकते हैं। नंबर 9, हाइना यानी लकड़बग्घा सवाना। ये पानी के अंदर काफी देर तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। नंबर 9, हाइना यानी लकड़बग्घा सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों, उपरेगिस्तान, अफ्रीका व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये चार प्रकार का होता है, धब्बेदार, भूरा, धारीदार और कीटभक्षी। ये आकार के आधार पर भी भिन्न होता है। सबसे बड़ा हाइना करीब 35 इंच ऊंचा और वजन में 90 पाउंड का होता है। सबसे छोटा कीटभक्षी हाइना होता है, जो 20 इंच ऊंचा और वजन में 60 पाउंड का होता है। नर की तुलना में मादा अधिक लंबी और प्रभावशाली होती है। ये समूह में रहते हैं। इनमें कीटभक्षी लकड़बग्घा दीमक खाता है। नंबर 10, बियर टेडी बियर। देखकर अच्छे अच्छों का गुस्सा शांत हो जाता है, और बच्चों का तो कहना ही क्या, वे टेडी बियर के दीवाने हैं। जहां बच्चे टेडी बियर के साथ खेलकर पूरा दिन बिता सकते हैं, वहीं गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए टेडी बियर से बेहतर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। आइए आपको बताते हैं टेडी बियर के बारे में रोचक और खास बातें। हगे टेडी बियर डे की शुरुआत कब से हुई कहना कठिन है, पर माना जाता है कि 1902 में शिकारी टेडी रूजवेल्ट ने मिसिसिपी में एक भालू को गोली मारने से इनकार कर दिया था। नंबर 11, चीता और तेंदुआ। भले ही देखने में एक जैसे दिखते हों, शायद अंधेरे या कम रोशनी में आप अंतर न कर पाएं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा भेद होता है। इन विभिन्नताओं को समझने के लिए थोड़ी बारीक बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप इस चीज को समझेंगे, आपको दोनों ही जीवों में अंतर समझ आ जाएगा। यह अंतर इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते आ रहे हैं। चीतों और तेंदुओं के बीच बड़ी समानताएं होती हैं, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं। नंबर 12, डॉग कुत्तों को डांटने पर जब वे मासूम सा चेहरा बना लेते हैं, तो हमें लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि विशेष कहते हैं कि कुत्तों को अफोसिस नहीं होता। न्यूयॉर्क के बार्नार्ड कॉलेज की अलेक्जेंड्रा होरोविट्स कहती हैं कि डांटने पर हर कुत्ते को देखकर लगता है कि उसे अफसोस है, बल्कि जिन कुत्तों को उनकी गलती न होने पर भी डांटा गया, उनमें और ज्यादा अफसोस दिखा। लेकिन ऐसा हम इंसानों को ही लगता है, होता नहीं। कुत्ते सूंघकर इंसानों में कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियां जांच। नंबर 13, कैट। कई लोग अपने घर में बिल्ली पालते हैं, और अगर आपके घर में पालतू बिल्ली है तो आपको उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने चाहिए। भले ही कुछ लोग बिल्ली को अपशगुन का प्रतीक मानते हैं, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पर पालतू जानवर बिल्ली है। अगर आपके घर में पालतू बिल्ली है तो आपको उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने चाहिए। बिल्ली को सिर्फ पंजों पर ही पसीना आता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।